चैप्टर 16 के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि एसी करंट जब एक रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर में से गुजरता है तो ये कंपोनेंट्स किस तरह बिहेव करते हैं। फिर हम देखेंगे रिएक्टेंस और इंपीडेंस क्या होती है, और फिर एसी सर्किट्स के अंदर पावर किस तरह कैलकुलेट की जा सकती है। फाइनली हम देखेंगे कि एक आरसी सर्किट और एक आरएल सर्किट किस तरह बिहेव करते हैं। जब एक रेजिस्टर में से एसी करंट पास करा जाता है तो उसकी वोल्टेज और करंट में जो रिलेशनशिप होता है वो हमें ओहम्स लॉ बताता है कि वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमने डीसी करंट के केस में भी देखा था कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एसी के केस में भी ऐसा ही होता है, सिर्फ वोल्टेज हमारी साइन वेव की फॉर्म में होती है तो करंट भी, जब वोल्टेज इंक्रीज होती है करंट भी इंक्रीज होता है, वोल्टेज डिक्रीज होती है तो करंट भी डिक्रीज होता है। इन ग्राफ से हम देख सकते हैं कि दोनों इन फेज हैं। अगर हम इनकी इक्वेशन लिखें तो हमें पता है यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर टाइम है। वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी इनका फेज है, ये दोनों इन फेज होंगे। इनके अगर हम वेक्टर्स ड्रॉ करें तो वो एक दूसरे के ऊपर होगा, दोनों इन फेज होंगे। इंडक्टर में से जब एसी करंट पास करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, जो कि हमें फैराडेज लॉ बताता है कि माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी के बराबर होती है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल होती है। और हमने देखा था कि बैटरी जो वोल्टेज सप्लाई करती है उसका कुछ हिस्सा ईएमएफ को ओवरकम करने में ज़ाया होता है और बाकी का हिस्सा रेजिस्टेंस को ओवरकम करके करने में ज़ाया होता है। तो इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जीरो है, ये एक आइडियल वायर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये पार्ट यहाँ से चला जाएगा, वोल्टेज बराबर होगी ईएमएफ के, मगर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इस केस में पॉजिटिव एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी होगा। इस इक्वेशन में इंपॉर्टेंट चीज है वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। अगर हम रेजिस्टेंस के केस में देखें तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी करंट के, मगर इंडक्टर के केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल है। तो हमें पता है कि इस इक्वेशन में करंट को चेंज करने से वोल्टेज चेंज हो रही है, तो हम देखते हैं कि करंट किस तरह चेंज हो रहा है। एक साइन वेव है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। जब इस ग्राफ में रेट ऑफ चेंज हमें कैसे पता चलता है, रेट ऑफ चेंज सिंपली इस ग्राफ की स्लोप है, चेंज इन करंट ओवर चेंज इन टाइम, जिस तरह स्लोप होती है वाई ओवर एक्स किसी ग्राफ में। इस पॉइंट पे स्लोप मिनिमम है और इन पॉइंट पे स्लोप सबसे ज्यादा स्टीप है, और हम इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी जीरो होगा। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे हम एक बॉल को जब हवा में फेंकते हैं तो वो ऊपर जाके वेलोसिटी उसकी एक सेकेंड के लिए जीरो होती है और फिर नीचे आता है, तो ये वो पॉइंट्स हैं। चूंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जीरो होगा तो वोल्टेज भी जीरो होगी। यहाँ पर जीरो है, ये भी जीरो होगी, और जब रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम होगा, सॉरी वोल्टेज भी मैक्सिमम होगी। इसको हम ज्वाइन करके देखते हैं, एक साइन वेव बनती है, ये वोल्टेज की साइन वेव है और ये लीड कर रही है करंट को। इस पॉइंट पे वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट मिनिमम है, तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है करंट को बाय 90 डिग्रीज। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर में से अगर एसी करंट पास कराया जाए तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। कैपेसिटर का चार्ज ऑन द कैपेसिटर बराबर होता है सी टाइम्स उसकी कैपेसिटेंस टाइम्स वोल्टेज के। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सी चूंकि कांस्टेंट है तो वोल्टेज की वजह से चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट होता है, करंट बराबर है सी टाइम्स डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इस इक्वेशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप। करंट प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ओवर करंट। इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि रेजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, इंडक्टर के केस में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, और अब कैपेसिटर में ऑपोजिट है इंडक्टर के। कैपेसिटर में करंट प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, यानी वोल्टेज चेंज होगी तो करंट चेंज होगा। इसलिए हम वोल्टेज प्लॉट करते हैं, जो कि हमें पता है कि एक साइन वेव है, और फिर हम देखते हैं कि उसके हिसाब से रेट ऑफ चेंज के हिसाब से करंट किस तरह चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इस पॉइंट पे मिनिमम होगा और इन पॉइंट्स पर मैक्सिमम होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके करंट, तो करंट भी इन पॉइंट्स पे जीरो होगा और इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम होगा। यूं हमारे पास करंट का ग्राफ आ जाता है।
और अब हम देख सकते हैं कि कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर रहा है. अगर हम इसका वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करें तो करंट लीड करेगा वोल्टेज को. एसी एंड डीसी हैव द सेम इफेक्ट इन चार्जिंग अ कैपेसिटर, इफेक्ट इन चार्जिंग अ बैटरी, इफेक्ट व्हाइल पासिंग थ्रू एन इंडक्टेंस या हीटिंग इफेक्ट थ्रू अ रेजिस्टेंस. एसी और डीसी इंडक्टर और कैपेसिटर में बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से एक्ट करते हैं. कैपेसिटर डीसी करंट उसको एक दफ़ा चार्ज कर देता है और उसके बाद करंट फ्लो नहीं करता, जबकि एसी करंट में करंट फ्लो करता है कैपेसिटर के थ्रू. इंडक्टर में भी ऐसा होता है कि एसी अगर इंडक्टर के थ्रू पास करेगा तो उसमें से उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी और ईएमएफ सेटअप होगा, जबकि अगर डीसी करेगा तो ईएमएफ सेटअप नहीं होगा. इसलिए कैपेसिटर और इंडक्टर में बिल्कुल मुख्तलिफ इफेक्ट होते हैं एसी और डीसी के. और इसी तरह बैटरी जो हम चार्ज करते हैं, केमिकल बैटरी होती है या किसी भी किस्म की बैटरी हो सकती है, उसको अगर हम एसी से चार्ज करेंगे या डीसी से, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा क्योंकि एसी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. अगर एसी से चार्ज करें तो हो सकता है वो चार्ज हो फिर डिस्चार्ज हो जाए, फिर चार्ज हो फिर डिस्चार्ज हो जाए, तो वो बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है, इफेक्ट डिफरेंट होता है. हीटिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें से एसी हो या डीसी एक ही तरीके से फ्लो करता है, एक ही रेजिस्टेंस होती है और हीटिंग इफेक्ट भी फिर एक जैसा होता है. कैपेसिटर किस तरह रिएक्ट करता है? अगर एक हमारे पास कैपेसिटर हो उसमें से करंट फ्लो कर रहा हो तो कैपेसिटर उसके साथ किस तरह रिएक्ट करता है, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं रिएक्टेंस, XC से डिनोट करते हैं और ये बराबर होती है 1 ओवर ओमेगा C. और ये एक तरह की रेजिस्टेंस होती है जिसको हम इम्पिडेंस कह देते हैं. इम्पिडेंस रेजिस्टेंस भी हो सकती है, रिएक्टेंस भी हो सकती है, को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं. टोटल इम्पिडेंस जो होती है एक सर्किट में वो उसकी रेजिस्टेंस प्लस हर तरह की रिएक्टेंस का सम होती है. कैपेसिटर की रिएक्टेंस XC होती है, इसी तरह इंडक्टर की रिएक्टेंस XL होती है. इन सब रिएक्टेंसेस का सम हम लेते हैं तो हमारे पास इम्पिडेंस आती है, मगर हम सम इनको स्क्वायर करके रूट मीन स्क्वायर सम लेते हैं, ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे. फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि रिएक्टेंस एक तरह की इम्पिडेंस होती है, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिएक्टेंस कैपेसिटेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी तो इम्पिडेंस कम होगी. ऐसा क्यों होता है? कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है कैपेसिटर. तो जितनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है इसका मतलब है कि वो ज़्यादा चार्ज फ्लो करता है, स्टोर करता है. जितना ज़्यादा वो चार्ज स्टोर करेगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि कैपेसिटर में करंट एसी करंट चार्जिंग डिस्चार्जिंग से फ्लो करता है. जब हाफ पॉजिटिव साइकिल आ रही होती है तो ये प्लेट पूरी चार्ज हो जाती है और फिर कोई मजीद करंट नहीं फ्लो करता क्योंकि इसका पोटेंशियल इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है. फिर जब नेगेटिव साइकिल होती है, पोलैरिटी चेंज होती है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव था पहले, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, तो सारा चार्ज वापस फ्लो कर जाता है क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया है. अब ये हाई पोटेंशियल पे आ गया, ये लो पोटेंशियल पे आ गया, तो सारा चार्ज इस तरह फ्लो कर लेगा. इस तरह चार्जिंग डिस्चार्जिंग से कैपेसिटर में करंट फ्लो करता है अगर एसी सोर्स हो, क्योंकि असल में कैपेसिटर क्या होता है, यहाँ पर तो हवा होती है बीच में, हवा में से तो करंट नहीं फ्लो कर सकता, तो कैपेसिटेंस में करंट चार्जिंग डिस्चार्जिंग से फ्लो करता है. जितनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, यानी जितना ज़्यादा टोटल चार्ज इन प्लेट्स के ऊपर स्टोर हो सकता है उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा. यानी अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम ज़्यादा फ्लो करेंगे. इसलिए अगर हम इस इम्पीडेंस के हिसाब से ओहम्स लॉ लिखें, V इज इक्वल टू आई जेड, रेजिस्टेंस की जगह हम Z लिख रहे हैं, तो V इज इक्वल टू आई XC अगर सिर्फ कैपेसिटर है सर्किट में, रिएक्टेंस जितनी कम होगी उतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा ओहम्स लॉ के मुताबिक. और रिएक्टेंस कम कब होगी? जब कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी. तो ये है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर का हिसाब. इंडक्टर की रिएक्टेंस XL से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके इंडक्टेंस के साथ. यानी अगर एक एसी सोर्स एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया जाए तो इसमें ईएमएफ सेटअप होती है माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी. जो ईएमएफ सेटअप होती है वो इंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. जितनी इंडक्टेंस ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ईएमएफ सेटअप होगी और फिर उस ईएमएफ को काउंटर करने के लिए वोल्टेज भी ज़्यादा हमें देनी पड़ेगी. और जब वोल्टेज हम ज़्यादा देंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा क्योंकि करंट वोल्टेज के बाहर हाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर कोई रेजिस्टेंस ना हो. तो जब हम ईएमएफ के बराबर वोल्टेज दे देते हैं फिर उसके बाद करंट फ्लो करता है तो वो वोल्टेज के हिसाब से करंट फ्लो कर होता है. ज़्यादा वोल्टेज होगी तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा. इस केस में ठीक है कि हम रेजिस्टेंस को जीरो ले रहे हैं,
तो नतीजा क्या निकला कि इंडक्टर की रिएक्टेंस जो है वो करंट को अपोज करेगी। V इज इक्वल टू IXL ले लेते हैं इस सर्किट के लिए। रिएक्टेंस जितनी ज्यादा होगी करंट उतना कम फ्लो करेगा। अगर हमारे पास एक ऐसा सर्किट हो जिसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है, तो इसकी टोटल जो रिएक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस है उन सब का नेट इफेक्ट को हम कहते हैं इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस बराबर होती है VRMS ओवर IRMS। ये ओहम्स लॉ की ही एक स्टेटमेंट है। V इज इक्वल टू IR होता है, R की जगह हम टोटल इम्पीडेंस लिख देते हैं Z, मगर जो इम्पीडेंस होती है वो RMS वैल्यूज होती हैं। इम्पीडेंस हम लेते ही AC सर्किट के केस में है, क्योंकि DC में क्या होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस होती है, तो DC में सिंपल ओहम्स लॉ फॉलो होता है। AC के अंदर इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, और उनकी रिएक्टेंसेस होती हैं बजाय इसके कि रेजिस्टर हो, और रिएक्टेंसेस को रेजिस्टर के साथ मिला के हम कहते हैं इम्पीडेंस, और वो RMS वैल्यूज होती हैं वोल्टेज ओवर करंट की। तो अगर हमने इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है तो हमें RMS वैल्यूज लेनी पड़ती हैं। तो फिर हम, अगर मैंने ZRMS कैलकुलेट करना होगा तो मैं रेजिस्टेंस की RMS वैल्यू लूंगी, यानी रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस स्क्वायर ऑफ कैपेसिटर प्लस इंडक्टर की रिएक्टेंस, इन सबको स्क्वायर किया और अंडर रूट ले लिया। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको हम ZRMS कहते हैं। इसकी बजाय हम अलग से VRMS या IRMS लेकर उनको डिवाइड करके भी इम्पिडेंस फाइंड कर सकते हैं। AC सर्किट के अंदर पावर कैलकुलेट करने में हम DC में क्या था, पावर थी I इंटू वोल्टेज, या I स्क्वायर R या V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। AC में हम सिर्फ RMS वैल्यूज ले लेते हैं, पावर हमने कैलकुलेट करनी हो तो हम उसी उन्हीं फॉर्मूला से करते हैं, मगर हम RMS वैल्यूज ले लेते हैं, IRMS मल्टीप्लाइड बाय VRMS। और मजीद हम एक चेंज करते हैं कि हम इसके साथ कॉस थीटा ऐड कर देते हैं। वो हम क्यों करते हैं हम अभी देखते हैं। इसके साथ मैं कॉस थीटा मल्टीप्लाई करती हूँ। कॉस थीटा का क्या मतलब होता है कि हम दो वेक्टर्स का पैरेलल कंपोनेंट्स ले रहे हैं। अगर हम इनको वेक्टर्स के तौर पे देखें, ये करंट है, ये वोल्टेज है। कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। इसका मतलब होता है इनके कोई पैरेलल कंपोनेंट्स नहीं होते, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मगर कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जिसमें बीच में रेजिस्टेंस भी होती है, और उसकी वजह से इनका फेज शिफ्ट 90 डिग्री का नहीं रहता, बीच में कोई फेज शिफ्ट आ जाता है, एंगल चेंज हो जाता है। तो उस एंगल को देखने के लिए हम इसमें साथ कॉस थीटा ऐड कर लेते हैं, और हम हमेशा वोल्टेज और करंट के पैरेलल कंपोनेंट्स लेते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास पावर आ जाती है AC सर्किट के अंदर। अगर मैं एक ऐसा सर्किट कंसिडर करूं जिसमें AC सोर्स के साथ सिर्फ एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लगी हुई है, उसकी इम्पीडेंस क्या होगी? इसकी इम्पीडेंस ZVRMS ओवर IRMS होगी, या अगर मैं इसको रिएक्टेंसेस और रेजिस्टेंस की टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहूं तो ये बराबर होगी आर स्क्वायर प्लस 1/ωC होल स्क्वायर, जैसा कि अभी हमने देखा पिछली स्लाइड में। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में प्लॉट करूं तो अगर ये मेरे पास रेजिस्टेंस थी, सिर्फ इम्पीडेंस थी सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से, और ये इम्पीडेंस थी सिर्फ कैपेसिटेंस की वजह से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से, तो अब जो मेरे पास इम्पीडेंस आएगी वो उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं होगी। इसको हम जेड प्राइम कह देते हैं, ये जो मैंने फाइंड की ये जेड प्राइम थी, और ये जो एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, बेसिकली मैंने इसको उल्टा बनाया, ये एंगल बनाएगी उस केस के साथ जब सिर्फ रेजिस्टेंस थी, तो उसको हम थीटा कह देते हैं। और थीटा कैलकुलेट करना बहुत आसान है, टैन इनवर्स ऑफ ओमेगा सी ओवर रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ 1/ωCR। ये वो एंगल है जो कि ये वाली इम्पिडेंस बना रही है हॉरिजॉन्टल एक्सेस के साथ, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के साथ। रेजिस्टेंस को हम ऐसे लेते हैं जैसे वो एक्स एक्सेस है, और रिएक्टेंस को हम ऐसे लेते हैं जैसे वो वाई एक्सेस है, वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। और हमें पता है नॉर्मली जो हम ज्योमेट्री में लेते हैं, वाई ओवर एक्स का टैन इनवर्स लेते हैं तो हमारे पास थीटा आ जाता है। और अगर हमने y और x पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फिर हम y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है। अब बिल्कुल वैसी ही कैलकुलेशंस एक RL सर्किट के लिए करते हैं। एक रेजिस्टेंस है और उसके साथ सिर्फ एक इंडक्टेंस है, तो सब कुछ वैसा ही होगा। इम्पीडेंस बराबर होगी VRMS ओवर IRMS।
इसकी कैलकुलेशंस आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर अंडर रूट होंगी और एंगल क्या होगा टैन इनवर्स ऑफ ओमेगा एल ओवर आर, इसको हम एज वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे और अगर हम इसका ये एंगल को देखना चाहें ग्राफिकली तो अगर ये इम्पीडेंस है सिर्फ करंट की वजह से और ये इम्पीडेंस है सिर्फ इंडक्टर की वजह से आई एक्स एल, तो जो अब इम्पीडेंस आएगी वो एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा बना रही होगी जो अभी हमने कैलकुलेट किया, इसको हम जेड प्राइम कह देते हैं, इसको हम जेड प्राइम कह देते हैं।